हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृतिराज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चटपटी और क्रिस्पी पानी पूरी। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम पूरी तैयार कर लेंगे। उसके लिए रवा, मैदा, नमक, ये सब इंग्रेडिएंट्स डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डाल के हम इसका मीडियम आटा गूंदेंगे। ये देखिए, हमने डो बना लिया है। अब हम इसे 30 मिनट तक ढक के रख देंगे। आपको इस पर गीला कपड़ा रख देना है। तब तक हम मीठा और तीखा पानी बनाएंगे। सबसे पहले हम तीखा पानी बनाएंगे। उसके लिए धनिया, पुदीना, अदरक, 3 लाल हरी मिर्च, ये सब डाल के हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, आपको थोड़ा ही पीसना है और बाद में आपको इसमें पानी डाल के फिर से पीस लेना है। ये देखिए, बिल्कुल है ऐसी हरी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब हम इसी हरी चटनी को एक कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, कटोरी में निकालने के बाद हम एक बाउल में आइस क्यूब्स डाल देंगे और इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने के बाद हम इसमें बनाई हुई हरी चटनी, काला नमक, पानीपुरी मसाला, ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा हींग और नमकीन बूंदियां डाल देंगे। ये देखिए, हमारा तीखा पानी तैयार हो गया है। अब हम मीठा पानी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, उसके लिए मैंने इमली को 1 घंटे तक पानी में सोक करने के लिए रख दिया था, आप देख सकते हैं। अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, आपको इसे अच्छी तरह से छान लेना है। ये देखिए, ये इमली का पानी है। अब हम यही पानी एक कढ़ाई में डाल देंगे। ये देखिए, कढ़ाई में डालने के बाद आपको इसे थोड़ा गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद हम इसमें गुड़ डाल देंगे और जब तक गुड़ मेल्ट ना हो जाए आपको इसे कंटिन्यूस हिलाते रहना है। अब हम इसमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारा इमली का पानी तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, यहाँ 30 मिनट बाद हमारा डो भी अच्छी तरह से सख्त हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसकी गोलियाँ बना लेंगे। ये देखिए, गोलियाँ बनाने के बाद हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए, आपको इसे रोटी की तरह लंबा बेल लेना है। अब हम इस कटोरी के सहायता इसे गोलाकार दे देंगे। आपको इसे थोड़ा दबा लेना है। अब हम इसी तरह से बाकी के भी गोलाकार बना लेंगे। ये देखिए, आपको इसी तरह से गोलाकार बना के एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हम यही पूरियां गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आपको बिल्कुल धीरे से ये पूरियां तेल में डालनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं हमारी पूरियां बिल्कुल अच्छी तरह से फूल गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आपको सब पूरियों की साइड चेंज करती रहनी है। ये देखिए, हमारे पूरियां तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। यहाँ मैंने 2 उबले हुए आलू को स्मैश कर लिया है। हम इसमें प्याज और चाट मसाला डालेंगे और इन दोनों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब हम पानी पूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम तीखी पानी पूरी बनाएंगे। आप देख सकते हैं, जैसे मैं तीखी पानी पूरी बना रहा हूँ वैसे ही आपको बना लेनी है। और ये देखिए, यहाँ मैंने इन छोलों को अच्छी तरह से उबाल लिया है। आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। ये देखिए, हमने तीखी पानी पूरी बना ली है। अब हम मीठी पानी पूरी बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने मीठी भी पानी पूरी बना ली है। आप चाहे तो तीखी पानी पूरी और बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको ये मेरी रेसिपी, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय फ्रेंड्स।